भैया राम राम। राम राम भैया। तो भैया ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ भैया श्री विधि गेहूँ का खेती। हाँ, श्री विधि से। तो भैया इस खेती के लिए क्या क्या तैयारी किया जाता है, कैसे तैयारी किया जाता है इसका? इसको भैया पहली बार एक बार जोत दिया हूँ, उसके बाद दूसरा बार में एक कुंटल गोबर की खाद, सड़ी वाली। हाँ, सड़ी वाली गोबर खाद डाले हूँ। अच्छा। और दूसरे जुताई में है तो 5 किलो यूरिया डाले हूँ। अच्छा अच्छा। 5 किलो यूरिया डाल के फिर पटाया 10 डिसमिल के हिसाब से। अच्छा, 10 डिसमिल के। अच्छा अच्छा, 10 डिसमिल। हाँ हाँ। और पटा चला दे। अच्छा अच्छा। और खेती अब बीजा डालने है। अच्छा, ना? हाँ, बीजा डाल। अच्छा भैया, तो पारंपरिक विधि से और ये विधि से क्या अंतर है इसमें? परंपरा विधि से भैया ये अंतर है, 2 बार जुताई कर देते हैं। अच्छा, परंपरा विधि। हाँ, परंपरा विधि में। अच्छा। और उर देते हैं। अच्छा अच्छा। पाटा भी नहीं लगा। हाँ, पाटा भी लगाते हैं, लगाने वाले नहीं, फिर ऐसा ही उर देते हैं। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं खाद। अच्छा अच्छा। तो भैया रुपाई तो कर रहे हो आप ना श्री विधि से? हाँ भैया। लेकिन इसमें सामग्री कौन कौन से लगते हैं भैया? ये भैया 1 किलो बीज। अच्छा, है। अच्छा, ये है ना। हाँ। मतलब श्री विधि के लिए। हाँ, श्री विधि के। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा। सामग्री लगता है भैया इसमें, गैंती लगता है, फावड़ा लगता है। अच्छा अच्छा। और ये खुरपी लगता है। अच्छा अच्छा। और ये बर्तन। अच्छा। भी लगता है, मतलब ये कटोरी हो या खरिया हो। हाँ, बटकी टाइप में। हाँ, बटकी टाइप में। अच्छा अच्छा। उसमें बीज डाल के और लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा।